लॉकडाउन के चलते जब ज्यादातर युवा घरों में बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसे में कटनी की एक युवती अपनी माँ के साथ सड़कों पर गायों की खोज कर रही है और उनकी भूख शांत कर रही है। हम बात कर रहे हैं कटनी की अमृता श्रीवास की। दरअसल कोरोना की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में हर गली, चौराहे, बाजार, सब्जी मंडी, फल मंडी में चहल पहल बंद पड़ी है, जिसके चलते आवारा घूमती गाय खाने के लिए तरस रही है। ऐसे वक्त में गौ रक्षा कमांडो फोर्स की जिलाध्यक्ष अमृता श्रीवास ने अनोखी पहल शुरू की है। वह बेजुबानों का सहारा बनती नजर आ रही हैं। वह जगह जगह घूमकर गायों को चारा खिला रही हैं। क्या है, जिस तरह से इंसानों पे कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है, उस तरीके से बेजुबानों पे भी इसका असर पड़ा है। पहले जगह जगह चहल पहल होती थी, बाजार हाट लगते थे, सब्जी भाजी लगती थी, तो जानवरों को, बेजुबानों को, चाहे पक्षी हो चाहे कोई भी हो, उनको खाने की कमी नहीं होती थी। लोगों का आवागमन रहता था हर समय, लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनका भी ध्यान देते थे। पर अब इस समय ऐसा है कि ना तो लोग दिखाई दे रहे हैं, ना तो बाजार हाट लग रहा है, तो इस वजह से उनको काफ़ी परेशानियां जा रही हैं। मेरे तरफ से अभी कई बार आना जाना, जैसे मैं देख रही हूँ, जहाँ जहाँ चरोखर भूमि नहीं दिखाई देती है, जहाँ गायों के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं रहा है, वहाँ मेरे द्वारा जगह जगह भूसा, हरा चारा डाला गया है। जिस जगह से भी मुझे अभी तक खबर आई है और जहाँ तक मैं खुद पहुँच सकी हूँ, क्या है, मुझे भी पहुँचने में भी परेशानी होती है। किसी की तरफ से व्यवस्था तो मिलती नहीं है, तो ऑटो करना या कोई भी गाड़ी करना, इस समय लॉकडाउन के चलते वो भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वाहन चालक भी, तो दिक्कत तो होती है। किस फंड से आप ये चीज़ें जो सेवा कर रही हैं, कहाँ से आपको ये फंड मिला? सर, ये 3-4 साल हो गए मुझे काम करते, फंड तो मैंने अभी तक किसी से लिया नहीं, परंतु ये लॉकडाउन के चलते पूर्व विधायक जो है राजू पोद्दार जी, उनके यहाँ से मुझे थोड़ा भूसा दिया गया था गायों के लिए। बाकी जो पक्षियों के लिए, बंदरों के लिए और गौवंश के लिए, अभी तक जो भी व्यवस्था कर रही थी, मैं अपने तरफ से कर रही थी। अमृता श्रीवास के अलावा कुछ और युवा भी है जो बेजुबान जानवरों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जानवरों को चारा, भूसे का इंतजाम नहीं हुआ, तो इन्होंने जानवरों का पेट भरने के लिए रोटी बनाना शुरू कर दिया। सर, जनता कर्फ्यू के बाद से हम सब एक संस्था बनाए हैं, सब यंगस्टर्स ने मिलकर सपोर्ट करके। हमारी संस्था का नाम है द एनिमल कीपर्स, जिसमें कटनी के जगह जगह से हमने लोग इकट्ठा किए हैं। हमारा सोल एम है अडॉप्ट योर एरिया, मतलब जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया को आप अडॉप्ट कर लीजिए। वहाँ पे जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो गाय हो चाहे अन्य पशु हो, सबको आपको खाना खिलाना है। हमारी संस्था में मेन हम सुबह सुबह जाके सब्जी इकट्ठा करके लाते हैं और उसको जगह जगह जिस एरिया में जो जो रहता है उसको हमारी गाड़ियाँ निकल के डिस्ट्रीब्यूट करके उसके घर तक डिस्ट्रीब्यूट करके आती है। उसके बाद वो अपने घरों से जो सब्जियां मिलती हैं वो उसको अपने अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा सोल एम है। ये कॉमन सी बात है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, सबका पेट एक गेहूं रोटी से ही भरता है। मेनली उनका भूसा है, लेकिन भूसे का हम इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने सब्जियां और रोटी का आइडिया सोचा। निश्चित तौर पर कोरोना की महामारी का असर जानवरों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में हमें जरूरत है कटनी के युवा की तरह जानवरों की मदद करने की। न्यूज़ डेस्क।